गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस असाइनमेंट 4.6 क्वेश्चन नंबर 3, ओके। एंड इन दिस वीडियो वी स्टार्ट न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और यूज़ करना है बोजमास रूल को। बोजमास मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल फॉलो होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब कभी मल्टीप्लाई है, कभी डिवीज़न है, कभी ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, सारे तरह के ब्रैकेट है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, -21 डिवाइडेड बाय -7 +26 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख रहे हैं -21 डिवाइडेड बाय -7 +26 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट तो कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सबसे पहले डिवाइड होगा। तो डिवाइड हम देख रहे हैं 21 -21 में डिवाइड हो रहा है 7 का, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। और एक को डिवाइड हो रहा है 26 में -2 का, तो डिवाइड पहले सॉल्व करें। तो -21 में -7 का किया तो दोनों ही माइनस के हैं, तो आंसर किस में आया, प्लस, और 7 का 21 में जाएगा 3 टाइम, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। अब 26 में डिवाइड हुआ 2 -2 का, तो एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिखा, स्मॉल ब्रैकेट में है ना, और 2 का डिवाइड 26 में होगा तो माइनस के 13 आया, मल्टीप्लाई 5 है। तो हमने केवल डिवाइड को सॉल्व किया, बाकी प्लस की जगह पे प्लस लगाया, फिर डिवाइड को सॉल्व किया, आंसर लिखा और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिख के 5 लिखा। अब यहाँ पे प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो बोजमास रूल के अनुसार डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो -13 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 65, तो -65 आया और 3 प्लस आगे का है। अब यहाँ पे प्लस माइनस हम चेंज करेंगे सिंबल, है ना, तो 3 प्लस और माइनस क्या बनेगा, -65। तो 65 में से 3 जाएगा क्योंकि 3 का क्या है, प्लस का है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो प्लस 65 का आगे क्या है, माइनस है, तो एक एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो माइनस करें तो 65 से 3 गया तो माइनस का 62, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड है 5 माइनस कैपिटल ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस कैपिटल या बिग ब्रैकेट माइनस 5 कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस कैपिटल ब्रैकेट जो है उसमें 5 लिखे, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट में अगर आप देख रहे हो तो 5 माइनस 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया तो क्या आएगा, 0, और माइनस के 5 है तो माइनस के 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 में से माइनस 5 गया तो क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। तो 5 माइनस कैपिटल ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस, और 0 में से 5 माइनस 5 गया तो माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 5 माइनस कैपिटल ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट और 5 और माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस 5, तो 5 माइनस 5 है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, 5 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो 10 के आगे माइनस है तो माइनस 10 हो गया, मतलब 5 माइनस लगाया और 5 क्या हुआ, 10, और 5 माइनस 10 में से 5 गया तो क्या हुआ, 5 आएगा, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 5 आया। इसके बाद 5 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस,
फाइव, फाइव में फाइव प्लस हुआ तो क्या हुआ, टेन। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन प्लस कैपिटल ब्रैकेट इलेवन डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट ट्वेल्व माइनस स्मॉल ब्रैकेट थर्टीन माइनस ट्वेल्व स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई प्लस माइनस है तो उसको सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, तो ये रहा थर्टीन माइनस ट्वेल्व, मतलब कि थर्टीन में से ट्वेल्व माइनस करें तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या करें, कर्ली ब्रैकेट देखें, कर्ली ब्रैकेट में अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई प्लस है माइनस है तो वो सॉल्व करें। फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद बिग ब्रैकेट देखेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन प्लस कैपिटल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, इलेवन डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट ट्वेल्व माइनस स्मॉल ब्रैकेट में थर्टीन माइनस ट्वेल्व। तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग कैपिटल या बिग ब्रैकेट क्लोज। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब देखना है। तो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, है ना, ब्रैकेट बोर्ड मास में ब्रैकेट बी आता है सबसे पहले। तो स्मॉल ब्रैकेट में थर्टीन में से ट्वेल्व गया तो क्या आएगा, वन। अब वन आएगा तो वन आएगा तो ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, तो वन के आगे क्या है, माइनस है, तो क्या बना, ट्वेल्व माइनस वन बनेगा, तो बाकी सेम रहेगा। और हाँ, ये बिग ब्रैकेट के आगे प्लस है और प्लस से आगे ये इलेवन में इलेवन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ना इलेवन से इलेवन का मल्टीप्लाई क्या हुआ, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बहुत सारे हैं, है ना, या डिवाइड भी हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो बिग ब्रैकेट के अंदर का काम अलग हो गया, वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड हम अलग करेंगे बोर्ड मास से, और ये बाहर प्लस के साथ जो इलेवन इंटू इलेवन है ये अलग है, तो हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं सेपरेट वाले में। तो इलेवन से इलेवन का मल्टीप्लाई किया तो वन ट्वेंटी वन प्लस बिग ब्रैकेट लगाया इलेवन लिखा डिवाइड। अब डिवाइड करने से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेंगे क्योंकि एक नंबर बनाना पड़ेगा ना। तो थर्टीन में से ट्वेल्व गया तो वन, अब ट्वेल्व माइनस क्या हुआ, वन आया, तो ट्वेल्व माइनस वन ये किस में आया, कर्ली ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है ना। तो ट्वेल्व में से वन गया तो इलेवन, तो अब वन हंड्रेड ट्वेंटी वन तो है, इलेवन में इलेवन का डिवाइड करेंगे हम, है ना, तो वन टाइम, तो वन प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी वन तो क्या हुआ, वन हंड्रेड ट्वेंटी टू। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा जो है वो है वन बिग ब्रैकेट ट्वेंटी माइनस टू कर्ली ब्रैकेट फाइव प्लस माइनस ट्वेल्व कर्ली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट टू स्मॉल ब्रैकेट फाइव माइनस टू माइनस नाइन लाइन ब्रैकेट, है ना, ये लाइन में है, टू माइनस नाइन किस में, लाइन ब्रैकेट कर्ली ब्रैक स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी है, लाइन ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, बिग ब्रैकेट भी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो लाइन ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं इस सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बिग ब्रैकेट ट्वेंटी माइनस टू है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ट्वेंटी में से टू माइनस कर लो, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट भी है स्मॉल ब्रैकेट भी है, तो हमें लाइन ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्वेंटी माइनस टू तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये टू क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई और माइनस में से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो कर्ली ब्रैकेट का मल्टीप्लाई टू में कब होगा, जब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, और कर्ली ब्रैकेट ये वाला दूसरे कर्ली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम सारे एक एक नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट जहाँ पर भी है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लाइन ब्रैकेट है, तो लाइन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, है ना। तो लाइन किसके ऊपर है, टू माइनस नाइन, अब ये माइनस टू पर नहीं है, है ना, ये माइनस अलग है, सेपरेट है, केवल टू के ऊपर से स्टार्ट होकर नाइन तक जा रहा है। तो ये आप समझ लो कि टू में से नाइन माइनस हो रहा है, केवल इतना सा है। तो लाइन ब्रैकेट सॉल्व सबसे पहले करेंगे, तो पूरा सेम टू सेम ट्वेंटी माइनस टू कर्ली ब्रैकेट फाइव माइनस, ये माइनस कैसे हुआ,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके। तो माइनस ट्वेल्व कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट टू स्मॉल ब्रैकेट, फाइव भी है और माइनस लगा दिया, ये टू के आगे वाला माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। और ये केवल टू और माइनस नाइन पर है लाइन ब्रैकेट, है ना। तो नाइन में से टू जाएगा तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का सेवन आएगा। तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये टू माइनस का नहीं मानना है, ये टू लाइन ब्रैकेट के बाहर है, माइनस ये माइनस जो है लाइन ब्रैकेट के बाहर है। तो लाइन ब्रैकेट के अंदर क्या है, केवल टू माइनस नाइन। तो नाइन में से टू गया तो माइनस का सेवन, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब बिग ब्रैकेट ट्वेंटी माइनस टू, अब ये कर्ली ब्रैकेट में केवल माइनस हो रहा है तो माइनस हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ट्वेल्व में से फाइव गया तो माइनस का सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है कर्ली ब्रैकेट टू है। अब इस टू का हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो क्या होगा कि फाइव माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस सेवन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद क्या होगा ट्वेंटी माइनस। अब हम यहाँ पे टू कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई मानेंगे, है ना, कि ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये टू और ये जो माइनस सेवन है ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में होता है। तो टू का मल्टीप्लाई माइनस सेवन में हुआ तो माइनस का फोर्टीन आया, तो माइनस का नंबर इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है ना, माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है तो फाइव और सेवन ट्वेल्व हो गया। तो ट्वेल्व का मल्टीप्लाई किससे होगा, ब्रैकेट के बाहर टू, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई होता है। तो टू का मल्टीप्लाई किससे हुआ, ट्वेल्व से। तो ट्वेंटी माइनस, अब माइनस फोर्टीन तो है और टू का मल्टीप्लाई ट्वेल्व से हुआ तो क्या हुआ ट्वेंटी फोर, और यहाँ पे इस ट्वेंटी फोर और इस माइनस फोर्टीन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस फोर्टीन का मल्टीप्लाई जब ट्वेंटी फोर से होगा तो 20 माइनस तो रहेगा, और ये एक जगह माइनस है और एक जगह माइनस नहीं है, तो आंसर दोनों के मल्टीप्लाई का किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस 336 आया। इसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 336, तो दोनों को प्लस किया तो क्या आया 356। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों लाइन ब्रैकेट का हमने यूज़ कर लिया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस वीडियो का और ये हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, फिफ्थ सिक्स सेवन एट हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो फिफ्थ है 29 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस 4 पर लाइन ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे, फिर ये फिफ्थ सिक्स सेवन और एट आप लोग फिर कॉपी में नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन हमारे जो क्वेश्चन थे वो हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन इतने ज़रूरी नहीं है आगे की क्लासों के लिए भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। 29 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस 4, इस पे लाइन ब्रैकेट है, मतलब ये 5 प्लस का लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस लाइन ब्रैकेट के बाहर है ना। तो 5 में से 4 जाएगा तो पहले सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट, है ना। तो बाकी सेम लिखेंगे, 29 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट में 6 लिखा, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया तो 5 में से 4 गया तो 1, अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया तो 6 में से 1 गया तो क्या आया 5 आया। तो 29 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस 6 में से 1 गया तो क्या आया 5 आया। 29 माइनस बिग ब्रैकेट 4 और कर्ली ब्रैकेट में आप सॉल्व करें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, 6 में से माइनस 1 किया तो 5 आया, 7 में से 5 गया तो क्या आया 2 आया। तो 2 माइनस तो आगे लिखा हुआ है और 2 लिख देंगे हम, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा,
इसके बाद 29 माइनस लिखा हुआ है, 4 में से 2 गया तो क्या आया, 2 आया, 29 में से 2 गया तो क्या है, 27। तो ये हमारा आंसर आया। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।